खैर गाने में वो सीक्वेंस ऐसा था, हम कुछ डांस सीक्वेंस कुछ अडॉप्ट करना था फिल्म में, सालसा भी हो सकता था, सांबा भी हो सकता था। ऋतिक ने कहा लेट्स पुट ट्रांस म्यूजिक, वो अपना ट्रांस का स्टॉक ले गया है, एक एक करके गाना बजाया और मुझे बताया देखो ट्रांस ऐसे होता है, ऐसे खो जाना है, ऐसे आवाज को प्रोमिनेंट नहीं रखना है, दूर से आवाज आ रही है ऐसा लगना है। उसे शूट करने के लिए हमने पहले से कोरियोग्राफर को बुलाया। अक्सर क्या होता है बॉलीवुड में कोरियोग्राफर होता है वो डायरेक्ट कर रहा होता है और हमेशा, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। ऋतिक न्यू हिज स्टेप्स, उसमें पूरी तैयारी करके आया, फिर बाद में वो ही केम ऑन द फ्लोर। आई एम यूजुअली गोइंग ओके कैमरा बैकग्राउंड एक्शन 1, 2, 3 and 4 वाज थ्रोइंग द माइक एंड स्टार्टिंग माय स्टेप। That's how we shot the song. So it was complete madness. The thing हमें रास्ता दिखाया actually. He held our hand and took us through the song. अनुराग ने उसे शूट बड़ा अच्छी तरह से किया क्योंकि it looks very real के ये डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है। ऋतिक भी आ रहा है, कंगना भी आ रही है, दो स्टेप करते हैं फिर दूसरे कुछ लोग आते हैं फिर तीसरे कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि गाना पूरा ऋतिक पर ही है। अच्छे बीट पे कौन अच्छा डांस कर सकता है वो दिखा रहे हैं, तो आपको तीन डांस स्टेप्स एक लाइन में नजर आ रहे हैं। एंड वी कैप्चर्ड द सॉन्ग फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल वे, फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल एंगल। Beat of the song is so good that when you hear that song in the 5.1 in the theater, it gives you goosebumps. Rajni jo music diya hai, I think is ahead of time. Aur is tarah ka gana ab tak bana nahi. Coming from my uncle, it was just extraordinary. One of the best dance tracks that I personally have ever danced on.